बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं दुआ करती हूं कि अल्लाह ताला आप सबको जहां भी रखे हमेशा खुश आबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो यहाँ पर जो है हम लोग जा रहे थे IKEA। IKEA क्यों जा रहे हैं और किस सिलसिले में जा रहे हैं, ये इंशाल्लाह ताला आपको आज की वीडियो में सारा पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग घर से निकल गए हैं, जाते हैं IKEA जाएंगे और वहाँ से जो है वो शॉपिंग वगैरह करेंगे। कुछ चीज़ें जो है वो मैं पहले पसंद करके आई थी, फिर आ गई थी और मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम जो है ना वो ख़रीदेंगे लेंगे। तो आज जो है हम कुछ चीज़ें जो हैं वो लेने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ सारी वीडियो जो है वो लाजमी शेयर करूँगी। आज इनको जो है ना वो थोड़ा सा टाइम फ्री था, इन्होंने काम ज़रा थोड़ा लेट जाना था, तो मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी जो है ना वो IKEA का चक्कर लगा लेते हैं। इनको हफ्ते में एक ही दिन की छुट्टी होती है और वो तो हम लोगों ने कल जो है वो गुजार ली थी। तो आज जो है इन्होंने 3 बजे तकरीबन काम पर जाना था, बस नाश्ता वगैरह किया, घर के काम वगैरह सारे ख़त्म किए हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं IKEA की तरफ। IKEA बस हम लोग पहुँच गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 से 12 किलोमीटर होगा मैक्सिमम हमारे घर से। पहले मैं कभी IKEA नहीं आई, बहुत कम जो है वो मैं आई हूँ। तो एक दो दफ़ा बस में, एक दफ़ा मैं सिर्फ IKEA आई थी और अब जो है वो आई हूँ। तो आज तो मैंने कुछ चीज़ें मैंने पिछली दफ़ा पसंद की थी, फिर घर जाके ख्याल आया कि हाँ ये चीज़ें ले लेनी चाहिए थी। तो आज जो है वो फिर दोबारा से कुछ चीज़ें भी लेंगे और जो सबसे बड़ी शॉपिंग जो करने के लिए मेन मकसद के लिए आए हैं वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो IKEA पहुँच चुके हैं, इधर गाड़ी को पार्क लगाएंगे। पार्क लगाने के बाद जो है वो फिर अंदर जाएंगे और आपके साथ भी जो है वो थोड़ी बहुत जो है IKEA की शॉपिंग शेयर करूँगी। ज़्यादा वीडियो मैंने अंदर नहीं बनाई थी, जो बस मेन मकसद के लिए और मेन काम के लिए आए थे बस वही किया था और उसके बाद हम लोग घर वापस चले गए थे। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग IKEA में एंटर हो चुके थे और इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि इधर से पहले लिफ्ट में ऊपर जाओ, ऊपर सारा घूम के जो पहली दफ़ा आता है, पहली दफ़ा जब हम लोग आए थे ना तो हम लोग भूल गए थे कसम से, इतनी मुश्किल हम लोगों ने बाहर का रास्ता ढूंढा, लेकिन अब पता चल गया कि इधर से लिफ्ट से ऊपर जाओ, साथ ही बैक वापस जाओ और लिफ्ट से नीचे आओ तो नीचे वाला पोर्शन और वहाँ से बाहर आ जाओ। तो बस अब जो है वो IKEA का सारा पता चल गया। पहले इतना, एक दफ़ा हम लोग आए हैं ऐसे गुम हो गए, हम लोग घूम घूम के थक गए और बड़ी मुश्किल से हम लोग अपने ना बाहर की तरफ, फिर हम लोगों ने पूछ के जो है वो फिर बाहर निकले थे। तो यहाँ पे ये देखें डाइनिंग टेबल कितने प्यारे प्यारे इन्होंने डेकोरेट किए होते हैं और हर एक चीज़ की यहाँ पे अलग अलग प्राइस इन्होंने साथ मेंशन की होती है कि इस चीज़ की ये प्राइस है। तो यहाँ पे ये पूरा बेडरूम इन्होंने सेट किया हुआ वो देख रहे थे और ये मुझे कालीन जो है वो इतना पसंद लगा कि बस बहुत ज़्यादा प्यारा था ये कालीन। और ये देखें जितने भी बेड के ऊपर ऊपर नीचे सारी डेकोरेशन की चीज़ें हैं सबकी अलग अलग प्राइस है और साथ उन्होंने लगाई हुई है उनको टैग लगा के। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग बर्तन वाले सेक्शनों में आ गए थे। तो ये स्टील की जो छोटी छोटी ना बाउल टाइप बने हुए ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे, पता नहीं क्या आजकल जो है ना वो मेरा स्टील पे बहुत ज़्यादा दिल आया हुआ है। मेरा दिल करता है कि जहाँ भी जाती हूँ ना मैं स्टील के बर्तन देखना शुरू कर देती हूँ, पता नहीं क्या मुझे आजकल ना स्टील के बर्तन एक तो हल्के होते हैं, दूसरा ये है कि टूटते ख़राब नहीं होते जितना मर्ज़ी यूज़ करो। तो छोटे बच्चों के साथ तो फिर वैसे भी स्टील के बर्तन ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो मैंने ऐवें ही बगैर वजह के 2 उठा ली थी, मैंने जो है ना मैंने कहा चलो ये 2 जो है ना वो उठा लेते हैं यहाँ से। और ऊपर और भी ट्रे डिशें वगैरह लगी हुई थी स्टील की, तो ये तो मैंने 2 ले ली थी। और यहाँ पे ये वो जिसमें चावल या खाना वगैरह सर्व करते हैं वो वाली लगी हुई थी साथ, और ये पानी वाली बोतलें। बस इसी तरह यहाँ पर बर्तन काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं IKEA से, मुनासिब भी होते हैं सस्ते भी होते हैं, घर में यूज़ करने के लिए परफेक्ट होते हैं। तो ये मैं प्लास्टिक की डिबियाँ देख रही थी, अक्सर बचा हुआ जो लेफ़्ट ओवर चीज़ होती है ना उसको निकाल के छोटे बर्तन में रखने के लिए फ्रिज में ना, तो रोज़ जो है वो पता नहीं क्या जब होती हैं तो उनको रखने की समझ नहीं आती कि इनको कहाँ पे रखें, और नहीं होती तो समझ नहीं आती कि किन चीज़ों में डाल के जो है वो चीज़ें फ्रिज में या वैसे जो है वो रखें। तो फिर ये मैंने वहाँ से ले ली थी और भी थी लगी हुई, लेकिन ये ज़रा मुझे छोटी सी और मुनासिब सी लगी थी।
ये भी बहुत प्यारे डोंगे टाइप बने हुए थे, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें। लेकिन मुझे पता नहीं क्या आजकल जो है ना वो भारी बर्तन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आजकल मेरा दिल करता है कि छोटे छोटे बर्तन हों और क्यूट क्यूट से बर्तन हों। ये देखें, ये शीशे का था, लेकिन वही बात है, ये भी भारी था, फिर इसलिए मैंने नहीं लिया। हमारा तो वैसे ही फेवरेट काम है बर्तन वगैरह देखना और चीज़ें वगैरह देखना, तो इन चीज़ों के बगैर हम लोग रह नहीं सकते। और आज आके फिर ये वो शीशे का बाउल आ गया, और बहुत सस्ता था, 2 यूरो का सिर्फ लगा हुआ था। एक ज़रा थोड़ा ज़्यादा ऊंचा था और एक ज़रा कम था। पहले मेरा दिल किया कि मैं ले लूं, फिर मैंने कहा क्या करना है, एक तो भारी है, रखने की भी समझ नहीं आती कि बर्तनों को कहाँ बंदा घुसाता रहे किचन के अंदर ना, तो फिर मैंने नहीं लिया। तो बर्तन वाले सेक्शन से सारा फिर फरा के घूम घुमा के जो चीज़ें मैंने ली थी, ये वाला जो सेट है ना, ये मैंने 6-6 करके सारा सेट लिया था। ये भी इंशाल्लाह ताला घर जाके आपके साथ शेयर करूँगी। पिछली दफ़ा भी इसके साथ के मैं बाउल लेके गई थी, और आज जो है ना ये फिर मैंने पूरा सेट ख़रीद लिया। बड़ा अच्छा था, 60-60 सेंट की ना एक प्लेट लगी हुई थी। मेन मकसद था हम लोग ये वाला लेने आए थे यहाँ पे, इसको ड्रेसर कह लें, कमोडे कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, ये हम लोग यहाँ से लेने आए थे। लेकिन ये कि पसंद करके हम लोग चले गए थे, साथ इसलिए नहीं लेके गए आए कि गाड़ी में जगह नहीं थी। एक तो बच्चों की वागन थी, दूसरा हम लोग सारे थे, तो सीटें बंद करके इसके जो पैकिंग है वो आनी थी। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते मैं सुबह आप लोगों को ला दूंगा, अब जो है वो मैंने काम पे भी जाना है, और ये है कि चलते हैं अब घर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बर्तन वगैरह मैं लेके आई, ये 2 बाउल जो मैंने आपको बताए थे ये वो लेके आई हूँ, साथ में ये प्लेटें सारे साइज़ों की जो हैं लेके आई हूँ, यही वही डब्बे जो मैंने आपको वहाँ पर दिखाए थे वही हैं ये डिब्बे, ये लेके आई हूँ। तो बस ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी बहुत मैंने ली थी, बर्तन वगैरह वहाँ से लिए थे, और वो कमोडे लेना था। तो वो इंशाल्लाह सुबह लेके आएंगे, फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, और फिर उसको सारा जोड़ना करना वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ सारा जो है वो शेयर करूँगी। तो ये सारी जो है ना वो पूरा एक सेट में लेके आई थी, इसके साथ की डिशें भी मेरे पास हैं और बाउल भी हैं मेरे पास। तो मैंने कहा एक पूरा जो है ना वो डिनर सेट ये बन जाएगा, सस्ता भी था मुनासिब भी था, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ यही डिनर सेट जो है, और डिसेंट भी है, एक ही कलर का है वाइट। मुझे बस डिसेंट डिसेंट चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो फिर ये मैंने 4 किस्मों की जो है वो प्लेटें, 3 किस्म की प्लेटें हैं, और साथ में वो छोटी छोटी कोलियाँ या बाउल छोटे कह लें, तो ये गत्ते में मैं रख के ले आई थी कि ताकि ये टूट ना जाए। तो बस ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो मैं लेके आई हूँ इकिया से, और ये ओवन के अंदर रखने के लिए किसी चीज़ के ऊपर ऐसे रख के ना और ढांप के तो गर्म करने के लिए, तो ये भी लेके आई थी मैं वहाँ से। तो यहाँ पे जो है वो मैं नान बना रही थी, कल मैं ग्रोसरी करने गई थी तो वहाँ से हेफे लेके आई थी, मैंने कहा था पिज़्ज़ा बनाऊँगी, तो पिज़्ज़े का आटा मैंने गूंद के रखा हुआ था, तो ना अचानक जो है ना वो आ गया घर में, हलीम आ गया था, तो मैंने कहा कि चलो जो पिज़्ज़ा बनाना है उसी के डो तो बनी पड़ी है, तो फिर मैंने ना जल्दी जल्दी उसके ना नान बना लिए यहाँ पे। तो फिर अब नान बना के ना तो बैठ के आराम से जो है वो खाना खाएंगे। मुझे ना जब भी ये मैं तंदूर में 2-3 वीडियो मैंने ऐसे शेयर किए रोटी बनाते हुए, तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आपने ये तंदूर कहाँ से लिया है। ये तंदूर अमेज़ोन से भी मिल जाता है, ईबे से भी मिल जाता है, उसके अलावा इंडियन पाकिस्तानी जो ग्रोसरी स्टोर है ना वहाँ से भी ये बासानी मिल जाता है। जब मैंने मेरे आने से पहले, पाकिस्तान आने से पहले जो है मेरे हस्बैंड ने ये ले कर रखा हुआ था, इसलिए मुझे अब की इसकी प्राइस का नहीं पता। पहले जो है ये 65 या आई थिंक इस तरह का कोई था, तो उतने में ये आ जाता था। और दूसरे नंबर पे अलनूर वेबसाइट है, आप लोग गूगल में जाके अलनूर वेबसाइट लिखेंगे तो वहाँ पे पूरे इंडियन पाकिस्तानी ग्रोसरी जो है वो सामान मिलता है, वहाँ पे भी ऑनलाइन ये मिल जाता है, तो वहाँ से भी आप लोग ऑनलाइन ले सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आपने ये तंदूर कहाँ से लिया है, तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, आप लोग जाके ज़रूर देख लें, अमेज़ोन से भी ये मिल जाता है। तो ये जो मैं पोको से रज़ाइयाँ लेके आई थी ना, तो आज जो है वो मैं थोड़ा सा टाइम मेरे पास था, काम शाम मेरे सारे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा कि आज ना इनके कवर सिलाई कर लेती हूँ। तो मेरी बेटी के काम देखें कि अंदर साथ जो है ना वो घुसी हुई है, कि ये कैंची भी मुझे पकड़ा दो, मैं ही इसको काट लूँगी। तो बच्चों के साथ जो है ना वो काम करना काफ़ी मुश्किल, जैसे ही मैंने पैकेट से निकाला है, ये देखिए मेरी बेटी इसके ऊपर लेट के इतना खुश हो रही है। हम लोग भी ऐसे ही करते थे, जब सर्दियाँ ख़त्म होती थी ना, अम्मी ने रज़ाइयाँ धो के रखनी या ऐसे बिस्तरे पड़े होते थे, हम लोग भी ऐसे ही ऊपर जंप करते थे, और मेरी अम्मी जो हैं वो हमें रज़ाइयों के ऊपर नहीं चढ़ने देती थी, वो कहती थी कि आप लोग जो है वो रज़ाइयाँ ख़राब करते हो।
तो ये सारे बच्चों की एक जैसी आते हैं माशाल्लाह से। अभी 1 साल से भी छोटी है और इसकी भी आते हैं सेम वही हैं जो हम लोग छोटे होते जो है ना वो रज़ाइयों के साथ करते थे। तो मैंने कहा इसको खोल के चेक करती हूँ कि ये कैसी है कैसी नहीं, और फिर जो है वो मैंने सारा कवर काटा था। तो यहाँ पे जो है वो मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। अब मैं फ़ारग थी तो रज़ाइयाँ मैंने खोली थी, इनके कवर जो हैं वो उनके मैंने सारी कटिंग की थी। कवर जो है वो मैं लेके आई थी पाकिस्तान से कुछ काटन के कपड़े ना, तो मैंने कहा चलो रज़ाइयों के कवर सिलाई करने के काम आ जाएंगे। तो वो ले पड़े हुए थे बाई चांस ही पड़े हुए थे, जब से आई हूँ पाकिस्तान से सिलाई नहीं किए थे। तो बस मेरी बेटियाँ जो हैं वो माशाल्लाह से यहाँ पर खेल रही थी और मैंने जो है ना वो कवर सिलाई करके कटिंग करके तो अब यहाँ पे सिलाई कर रही थी। ये मैं उस दिन पोको जब जिस दिन गई थी ना वहीं से जो है ये मैं लेके आई थी इसको क्या कहते हैं ज़िप, तो ज़िप लगा के जो है वो कवर सिलाई करूँगी। मैंने पहले जो यहाँ से रेडीमेड जो कवर मिलते हैं ना उन्हीं में से देख के तो किया है। तो अब जो है वो कवर सिलाई कर लेती हूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला आपसे जो है ना यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।